ओके, आप लोग चैट जीपीटी को वेबसाइट पे यूज किए होंगे, लेकिन कनेक्शन भाई कभी कभी नहीं मिलता है उस पे। आप लोगों ने ये भी सुना होगा चैट जीपीटी को आप लोग व्हाट्सएप पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन भाई 2-3 रिप्लाई करने के बाद वो सब्सक्रिप्शन मांगने लगता है। लेकिन गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चैट जीपीटी को आप लोग कैसे अपने कीबोर्ड पे इस्तेमाल कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, और ये कमाल हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की वजह से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई इस चैनल पे अगर नया हो ना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे भाई मोटिवेट मिलता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओके, सबसे पहले आप लोगों को जो करना है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट कीबोर्ड बीटा। ओके, तो बीटा वाला जो वर्जन है उसको आपको डाउनलोड करना है, ऑफिशियल वाला मत कर लेना, बीटा वाले पे काम कर रहा है। अभी डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले ओपन कर लो। ओपन करने के बाद इस कीबोर्ड को सारा परमिशन दे दो, ताकि ये जो कीबोर्ड है आपकी फोन में अच्छी तरीके से काम करे और आपका डिफॉल्ट कीबोर्ड बन जाए। अभी इतना होने के बाद ना, यहाँ पर आपको साइड पे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा बिंग का ऑप्शन। आपको सिंपल से इस बिंग पे टैप करना है। अभी बिंग पे टैप करने के बाद ना, आपको लॉग इन करने के लिए बोलेगा, तो लॉग इन कर लेना। अगर आप लोगों के पास जो आउटलुक वाला कोई अकाउंट है उससे लॉग इन करोगे तो अच्छा ही होगा, अदरवाइज आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई आप लोग विश लिस्ट पे हो। अभी देखो, अगर आपको विश लिस्ट पे रख दिया है तो भाई चिंता वाली कोई बात नहीं, आपको बहुत ही जल्दी जो है विश लिस्ट से बाहर निकाल देगा, मतलब आप जो है चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर पाओगे। अभी यहाँ पर ना मैं इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ कि भाई आप लोग इस कीबोर्ड से क्या क्या कमाल और धमाल मचा सकते हो। सबसे पहले ये जो कीबोर्ड है ना, आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, मतलब जितनी भी सारी प्लेटफॉर्म है, जितनी भी सारी एप्स आता है, सभी एप्स पे आप लोग इस कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। अभी देखो, चैट जीपीटी को जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दो फीचर अलग से मिलता है। जैसे कि आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हो, और इंटरनेट से कुछ भी, मतलब सर्च कर लो, इंटरनेट पे जाके कुछ भी सर्च कर लो और डायरेक्ट यहाँ से जो है सेंड कर सकते हो किसी को, आपको ब्राउजर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी फीचर, आपको यहाँ पर किसी भी आपका वर्ड हो, सेंटेंस हो, उसका टोन चेंज कर सकते हो। मान लो अगर आप किसी को हेलो बोलते हो, उसको प्रोफेशनली कैसे बोलते हैं, पोलाइटली कैसे बोलते हैं, और उसको जो है भाई कहता हो, तो ये जो फीचर है आपकी इंप्रेशन उनके पास काफी अच्छा खासा दे सकता है। अभी इसका मेन फीचर, यहाँ पर आपको चैट वाला फंक्शन देखने के लिए मिलता है। जब आप लोग चैट पे टैप करते हो तब होता है इसका कमाल, क्योंकि जैसे ही आप लोग चैट पे टैप करते हो आपके सामने चैट जीपीटी का पूरा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपकी मन में जो भी चल रहा है, जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, बस यहाँ पर उनसे पूछ लो, भाई ये आपको जो है रिप्लाई दे देगा। तीन मोड मिलता है, एक तो एक क्रिएटिव, एक बैलेंस होता है, और एक प्रीसियस करके कुछ ऐसा होता है, भाई ये सब दे देता है। और इससे भाई आपका काफी टाइम बचने वाला है, क्योंकि भाई आप लोग किसी के साथ अगर बात करते हो और कोई भी चीज के बारे में बताना है, या किसी को आपको कुछ रिकमेंड करना है, तो भाई यहाँ से चैट पे डायरेक्ट आप लोग जो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। जैसे कि आप पूछ सकते हो कि भाई टॉप 5 गेमिंग फोन अंडर 20K, ये धड़ाधड़ भाई आपको आंसर दे देगा, और ऐसा नहीं है कि 2021 के पहले का देगा, अभी रिसेंटली भी दे सकता है ये। तो बस इसे इस्तेमाल करो और मजे लो। बाकी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि भाई उनके भी फायदा आ सकता है, क्या पता आपकी दोस्त भाई अनपढ़ गवार निकले, तो ये जो है उनकी ग्रामर को भी ठीक कर सकता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।